अंबेडकर नगर के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है, जिसका शुभारंभ अयोध्या मंडल आयुक्त ने फीता काटकर किया। ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होने से मरीजों को काफी मदद मिलेगी। इस दौरान मंडल आयुक्त ने कहा कि यह प्लांट मील का पत्थर साबित होगा। उस वक्त सरकार ने यह निर्णय लिया, राज्य सरकार ने, कि प्रत्येक शहर में और प्रत्येक जनपद में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, चाहे CSR फंड से, चाहे सरकारी फंड से, चाहे NHAI से, और पूरे प्रदेश में लगाए गए। और ये एक हम लोग के मंडल का लगभग सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट है। NTPC के सहयोग से, NTPC के सौजन्य से लगाया गया है और आज बहुत ही कम समय में इसको चालू कर दिया गया है। और निश्चित तौर से ये सिर्फ पेंडेमिक के लिए नहीं, बल्कि अन्य प्रकार की जितनी भी हमारे मरीज आते हैं उनको लाभ दिया जाएगा। कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की काफी कमी हुई थी, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि पूरे प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इसी कार्यक्रम में NTPC के अधिकारी सहित CMO और CMS भी मौजूद रहे। अम्बेडकर नगर से अनंत कुशवाहा, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।